हम सब जानते हैं कि सलमान खान ने ही बॉबी देओल को कमबैक का चांस दिया, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सलमान खान ने बॉबी को ये कमबैक का चांस क्यों दिया, क्योंकि सलमान के ऊपर एहसान थे बॉबी की फैमिली के। इनफैक्ट यूं कहें कि बॉबी के बड़े भाई सनी के सलमान पर बहुत एहसान थे। इन्हीं एहसानों के चलते सलमान खान ने बॉबी देओल को कमबैक करने का चांस दिया। ये बात खुद बॉबी देओल ने कंफर्म की है। बॉबी देओल ने बताया कि जब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग चल रहा था तो मैं वहां पर जाता था, सलमान भी वहां पर आते थे। मैंने तब दाढ़ी बढ़ाई हुई थी। तब सलमान ने मुझे पूछा कि इतना हैंडसम है ये क्या करके रखा है खुद का। तब बॉबी देओल ने बताया कि ऐसे ही कुछ काम नहीं है तो बस चल रहा है। तब सलमान ने कहा कि एटलीस्ट क्लीन शेव तो हो। बॉबी देओल ने तभी सलमान को कह दिया कि क्या मैं तुम पर डिपेंड हो सकता हूँ, क्या तुम मुझे काम दोगे? तो सलमान ने कहा कि डेफिनेटली ज़रूर दूंगा, सब करते हैं, सब एक दूसरे के पीठ पर बैठते हैं। एक टाइम पर मैं तुम्हारे भाई और संजय दत्त की पीठ पर बैठा था। जाहिर सी बात है, ये 2000 के आसपास सलमान खान ने जहां सनी देओल के साथ में जीत फिल्म की थी, वहीं चल मेरे भाई में वो संजय दत्त के साथ नज़र आए थे। और यही वो टाइम था जब सलमान खान अपने करियर के टफ दौर से गुजर रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी भूचाल से भरी हुई थी, कंट्रोवर्सीज हो रही थी और सलमान की नेगेटिव इमेज बहुत बन गई थी। तब सलमान को इन बड़े सुपरस्टार्स का सहारा लेना पड़ा था। तब तो सलमान ने नहीं बोला, लेकिन अब बॉबी देओल ने सलमान की ये बात बताई कि किस तरह से एक टाइम पर वो सनी और संजय दत्त की पीठ पर सवार हुए थे अपने करियर को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए। और शायद यही वो एहसान था जो सलमान ने चुकाया बॉबी देओल को कमबैक का चांस देकर। उन्होंने रेस 3 में बॉबी देओल को चांस दिया और रेस 3 में ना सिर्फ बॉबी देओल अच्छे लगे हैं, बल्कि रेस 3 से ही बॉबी देओल की सेकेंड इनिंग्स चल पड़ी है। वो अब धड़ल्ले से सीरीज़ और फिल्में कर रहे हैं।